हेलो फ्रेंड्स, वक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर PST न्यूज पर। आज की वीडियो में बात करेंगे कृष्णा जन्माष्टमी 2023। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर जाने का हो प्लान तो इन बातों का जरूर रखे ध्यान। मंदिर प्रबंधक मुनीष शर्मा ने कहा कि जन्माष्टमी पर 7 व 8 सितंबर को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। 7 सितंबर को भगवान के जन्म के बाद रात 2 बजे बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती होती है। आरती के समय भीड़ उमड़ती है, ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों के भीड़ में फंसने से हादसे की आशंका हो सकती है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु अपने साथ बुजुर्ग बच्चे और दिव्यांगजन को ना लाएं। पिछले वर्ष जन्माष्टमी पर रात में मंगला आरती के दौरान हुए हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हुए थे। हादसे सबक लेते हुए मंदिर प्रबंधन ने एडवाइज़र जारी कर दी। मंदिर प्रबंधक मुनीष शर्मा ने कहा कि जन्माष्टमी पर 7 व 8 सितंबर को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। 7 सितंबर को भगवान के जन्म के बाद रात 2 बजे बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती होती है। आरती के समय भीड़ उमड़ती है, ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों के भीड़ में फंसने से हादसे की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि गर्मी के समय व्रत रखने से महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए वह चिकित्सा से फरमाश और दवा लेकर ही आएँ। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का बैग एवं कीमती सामान मंदिर में ना लाने की सलाह भी दी गई है। आज की वीडियो में थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।